नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी। आज है 31 अक्टूबर। चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर। नहाय खाय के साथ शुरू हो गया है लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा। 4 दिन तक चलने वाले लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा आज यानी 31 अक्टूबर को नहाय खाय के साथ शुरू हो गया है और 2 नवंबर यानी कि रविवार को उगते सूर्य के अर्घ के साथ समाप्त हो जाएगा। छठ महापर्व लोक आस्था का पर्व होने के कारण इस महापर्व में इस्तेमाल होने वाली चीजें भी हमारे आसपास के जीवन से जुड़ी होती हैं, जैसे टोकरी, दौरा, सूप, हल्दी, नारियल, मूली, अदरक, केला, अनानास इत्यादि। दिसंबर में नहीं शुरू हो पाएगा महात्मा गांधी सेतु पुल का पश्चिमी लेन। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला महात्मा गांधी सेतु का पश्चिमी लेन तय समय में चालू नहीं हो सकेगा। अब तक हुए कार्यों से साफ है कि दिसंबर तक पश्चिमी लेन से गाड़ियों की आवाजाही नहीं हो सकेगी। बरसात में गंगा में अधिक पानी आने के कारण एजेंसी लगभग 2 महीने तक काम कर नहीं सकी थी। कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति करने में रालोसपा है सबसे आगे। कार्यकारी अध्यक्ष को नियुक्त करने के मामले में रालोसपा ने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। वर्तमान में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के पास बिहार में 6 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हैं, तो वहीं कांग्रेस में अब तक सबसे अधिक 4 कार्यकारी अध्यक्ष काम कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो ऐसा उपेंद्र कुशवाहा ने सबको खुश करने के लिए किया है। सोनपुर मेले में गाँव का नक्शा मिलेगा 150 रुपए में। एशिया के सबसे बड़े पशु मेला सोनपुर मेले में अब गांव का नक्शा मिलेगा। सोनपुर मेले में बिहार के हर गांव के नक्शे उपलब्ध रहेंगे। कोई भी व्यक्ति पैसे जमा कर वहां अपने गांव का नक्शा आसानी से ले सकता है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा मेले में स्टॉल लगाया जाएगा जहां हर गांव का नक्शा उपलब्ध होगा। लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है मुजफ्फरपुर का 5 फीट चौड़ा 5 मंजिला मकान। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक घर लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। मुजफ्फरपुर के गनीपुर इलाके में बने 5 फीट चौड़ा 5 मंजिला मकान को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। 5 मंजिला इस मकान का आगे का आधा हिस्सा सीढ़ियों से बना है, जबकि दूसरे हिस्से में घर बना हुआ है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी इस बार भी नहीं करेंगी छठ। प्रदेश में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर एक अलग ही धूम है। राजनीतिक घरानों में भी इस पर्व को लेकर काफी उत्साह रहता है। बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी अपने घर पर छठ करती हैं, परंतु बीते कई सालों से उनके घर पर छठ नहीं मनाया जा रहा है। खबर है कि इस बार भी लालू आवास पर छठ पूजा नहीं होगी। शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी किया नया शेड्यूल। बिहार में 30,020 पदों पर होने वाले माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली का शेड्यूल बदल दिया गया है। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज की ओर से संशोधित नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। हालांकि आवेदन की तिथि नहीं बढ़ी है। बदले गए शेड्यूल के अनुसार नियोजन इकाइयों द्वारा 1 नवम्बर तक मेधा सूची का अनुमोदन और 4 नवम्बर तक औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। प्रदूषण के मामले में दिल्ली के आसपास के शहरों के बाद पटना का नंबर। राजधानी दिल्ली के बाद सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार की राजधानी पटना का नाम आ गया है। पटना में हवा में नमी, बारिश और प्रदूषण के कारण सुबह में धुंध छाने लगा है। बिहार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जारी आंकड़े के मुताबिक पटना की एयर क्वालिटी काफी खराब की कैटेगरी में है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू 365 दर्ज किया गया है। बिहार परिवहन विभाग में चलन दास्ता सिपाही की निकली बहाली। पुलिस की तैयारी कर रही युवाओं के लिए खुशखबरी है। वैसे युवा जो पुलिस सेवा में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए परिवहन विभाग में चलन दास्ता सिपाही के 496 पदों के लिए बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 29 अक्टूबर से शुरू हो गई है। www.csbs.bih.nic.in पर जाकर आप डिटेल देख सकते हैं। अब छात्रों को देना होगा प्रैक्टिकल, तभी मिलेगा अंक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE को मिल रही शिकायत के बाद प्रैक्टिकल में मार्क्स को लेकर सख्त नियम बनाया गया है। अब ऐसे विद्यार्थियों पर बोर्ड की पैनी नजर रहेगी जो फ्लाइंग स्टूडेंट्स हैं या फिर दूसरे शहरों में रहकर अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अब स्कूलों को बताना होगा कि विद्यार्थियों ने कहां प्रायोगिक परीक्षा दी है। नए साल में भागलपुर को मिलेगी एक नई ट्रेन की सौगात। नए साल से भागलपुर और टाटा नगर के लिए ट्रेन चलेगी। इसके लिए संबंधित जोन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। ट्रेन चलने से बांका जिले के लोगों को राहत मिलेगी। यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी। इंडियन रेलवे टाइम टेबल कमेटी की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया है। इस रूट पर पहले भी ट्रेन चलाने की बात कही गई थी, लेकिन अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका था। नालंदा के बुनकर कपिल देव होंगे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। 2017 में आयोजित हैंडलूम प्रतियोगिता में खूबसूरत कलाकृति बनाने के लिए देश के जिन 31 बुनकरों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, इनमें नालंदा के कपिल देव प्रसाद भी शामिल हैं। बिहार को गौरव दिलाने वाले ये एकमात्र बुनकर हैं। आपको बता दें कि इनका गांव बचपन बिगा पहले बुनकर के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। इनके चयन से 2 दशक बाद फिर से यह राष्ट्रीय फलक पर चर्चा में आ गया है। उन्हें केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय यह सम्मान देगा, लेकिन कब देगा अभी स्थिति का घोषणा होना बाकी है। 2020 में बिहार विधान परिषद की 8 सीटें होंगी खाली। 2020 बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट तैयार किया जा रहा है। इसमें नाम जोड़ने के लिए 6 नवंबर तक आवेदन होना है। इसके बाद 23 नवंबर को मतदाता सूची के रूप का प्रकाशन किया जाएगा। सूची में गड़बड़ी होने पर मतदाता 9 दिसंबर तक दावा कर सकते हैं। सूची का प्रकाशन 30 दिसंबर को होगा। अगले साल बिहार विधान परिषद की 8 सीट खाली हो रही है।
भोजपुरी सिनेमा चैनल की तरफ से सीएम राहत कोष में जमा कराई गई 11 लाख की राशि। पटना में जल जमाव से प्रभावित लोगों की सहायता के हेतु भोजपुरी सिनेमा चैनल की तरफ से 11 लाख रुपए की मदद राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराई गई। बीजेपी सांसद रवि किशन और यसी फिल्म्स के अभय सिन्हा ने न्यू पटना क्लब में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को 11 लाख रुपए का चेक सौंपा है। एसटीईटी का एडमिट कार्ड जारी नहीं होने से कंफ्यूज हैं अभ्यर्थी। 8 साल बाद बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराया जा रहा है। इसके लिए 7 नवंबर का डेट तय किया गया था, पर अब तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है, जिसे लेकर अभ्यर्थियों में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर को एसटीईटी के लिए उम्र सीमा बढ़ाने का निर्देश दिया था। छठ महापर्व को लेकर जिला प्रशासन ने किया पुख्ता इंतजाम। लोकास्था के महापर्व छठ को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था की जा रही है। पूजा के दौरान किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। पटना एसएसपी गरिमा मलिक ने बताया कि छठ पर्व को लेकर पटना शहर के साथ साथ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। पूरे शहर और घाटों पर सुरक्षा को लेकर 400 पुलिस पदाधिकारी और 1600 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। सरकारी मेले का दर्जा मिलने के बाद भी बड़गांव उपेक्षा का शिकार। नालंदा का बड़गांव देश के प्रमुख सूर्य उपासना केंद्रों में से एक माना जाता है, जहां देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु छठ व्रत करने आते हैं। बड़गांव छठ मेले को पिछले वर्ष बिहार सरकार ने सरकारी मेले का दर्जा दिया था। सरकारी मेले का दर्जा मिलने के बाद भी बड़गांव को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके कारण लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। कॉलेज की मान्यता के लिए अब जरूरी होगी इतनी जमीन। बिना उचित इंफ्रास्ट्रक्चर या फैकल्टी के कॉलेज खोलने वालों की मनमानी पर अब नकेल कसने की सरकार ने तैयारी कर ली है। राजभवन ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें सरकार ने एक डिग्री कॉलेज को मान्यता प्राप्त करने के लिए जमीन की न्यूनतम उपलब्धता का जिक्र करते हुए प्रस्ताव भेजा था। इसके मुताबिक शहरी क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के लिए कम से कम 2.5 एकड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए। पटना शहर में नियम में थोड़ी ढील देते हुए जमीन की न्यूनतम आवश्यकता को 2 एकड़ निर्धारित की गई है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर आधारित फिल्म फरवरी में होगी रिलीज। अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर राष्ट्रीय जनता दल के नेता व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जीवन पर आधारित फिल्म अगले साल के शुरुआत में पहले पर्दे पर नजर आएगी। लालटेन नामक इस भोजपुरी फिल्म में लालू का किरदार निभा रहे अभिनेता यश कुमार ने बुधवार को संवाददाताओं को बताया कि फिल्म में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के जीवन के विभिन्न पहलुओं को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अभिनेत्री स्मृति सिन्हा इस फिल्म में लालू जी की पत्नी राबड़ी देवी की भूमिका निभा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरी बार फिर से चुने गए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दिल्ली के मावलंकर हाल में पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में एक बार फिर से नीतीश कुमार को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। बता दें कि नीतीश कुमार ने पहली दफा अप्रैल 2016 में जेडीयू की कमान संभाली थी। तब तत्कालीन अध्यक्ष शरद यादव ने चौथी बार अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया था। नीतीश कुमार का यह दूसरा कार्यकाल 2022 तक होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा सीएम नीतीश से छुटकारा चाहती है जनता। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार का तीसरा कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में पूरा हो चुका है, लेकिन बिहार की स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता अब नीतीश कुमार से छुटकारा चाहती है। पटना और रांची के बीच चलाई जाएगी सुविधा स्पेशल ट्रेन। छठ को लेकर यात्रियों की संख्या बढ़ गई है, ऐसे में रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की व्यवस्था पर खास काम कर रहा है। भीड़ को देखते हुए ही पटना और रांची के बीच ट्रेन संख्या 80625 80626 रांची पटना रांची के परिचालन का निर्णय किया गया है। आपको बता दें कि 80625 पटना रांची सुविधा स्पेशल ट्रेन 3 नवंबर को रांची से रात 11:45 पर खुलेगी। वहीं 80626 पटना रांची सुविधा स्पेशल ट्रेन पटना से सुबह 10:30 पर खुलेगी। जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए। केसी त्यागी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरी बार बुधवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। दिल्ली स्थित मावलंकर हाल में पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उन्होंने यह जिम्मेदारी संभाली। बैठक में देश भर से आए जेडीयू नेता शामिल हुए। राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए। कई राज्यों में पार्टी मजबूत स्थिति में आ गई है। कोलकाता में रचा जाएगा इतिहास। ईडन गार्डन में भारत खेलेगा अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच। 22 नवंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाला दूसरा टेस्ट मैच ऐतिहासिक होने वाला है। कोलकाता के ईडन गार्डन में होने वाला यह टेस्ट मैच डे नाइट खेला जाएगा। भारत में एवं भारतीय टीम का यह पहला डे नाइट टेस्ट मैच होगा। आपको बता दें कि सबसे पहले डे नाइट टेस्ट मैच 2015 में न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। 10 दिसंबर को राजद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगा। जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 10 दिसंबर को चुनाव का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की सूची प्रकाशित की जाएगी। साथ ही साथ 9 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।